बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैक्स डिवाइन पब्लिक स्कूल क्लास 6. दिस इज़ योर इंग्लिश पीरियड एंड आई एम साबिन योर इंग्लिश टीचर. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर एसे वन सिलेबस. ओके, सो दिस इज़ आर फर्स्ट चैप्टर ऑफ एसे वन. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर लेसन नंबर 3, द बनियन ट्री. सो यू हैव टू ओपन योर बुक विद द चैप्टर. नाउ द पेज ऑफ द चैप्टर द बनियन ट्री. बनियन ट्री, बनियन कहते हैं बरगद को, यानी बरगद का पेड़. द चैप्टर ऑफ द टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज बरगद का पेड़. सो लेट्स स्टार्ट. सी आई एम रीडिंग हियर. यू मस्ट हैव सीन अ बनियन ट्री. आपने ज़रूर एक बरगद का पेड़ देखा होगा. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट वॉट द ऑथर सॉ एज अ Young boy when he was sitting in an old banyan tree in his grandfather's house. ये स्टोरी एक छोटे लड़के की है जिसको जो लेखक हैं ऑथर कहते हैं लेखक को. लेखक ने एक छोटे लड़के को देखा when he was sitting in an old banyan tree, जबकि वो एक पुराने बरगद के पेड़ पर बैठा हुआ था अपने grandfather के यानी अपने दादा के घर पर. दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स. हालाँकि वो घर मेरे ग्रैंड फादर का था, ग्रैंड पेरेंट्स का था, मेरे दादा दादी का था. द मैग्निफिशेंट ओल्ड बनियन ट्री वॉज माइन. लेकिन ये जो शानदार मैग्निफिशेंट कहते हैं शानदार को, तो ये लेकिन अब ये जो शानदार बनियन ट्री था, शानदार बरगद का पेड़ था, ये अब मेरा हो गया था. चीफली बिकॉज, किस लिए? ग्रैंडफादर एट 65, क्योंकि जो ग्रैंडफादर थे वो अब 65 के हो गए थे, यानी उनकी काफ़ी एज हो गई थी. कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट, और वो इस पर नहीं चढ़ सकते थे, इसलिए मैं ही इस पर खेला करता था. इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेज विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस. इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेज, इसकी फैली हुई जो शाखाएँ थीं विच हंग टू द ग्राउंड, जो कि ज़मीन से लग रही थी. एंड टुक रूट अगेन, और उनकी दोबारा से जड़ें उगने लगी थी. फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस, ताकि और दूसरे बरगद के पेड़ भी इनसे बनाए जा सकें. गेव मी एंडलेस प्लेजर, इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी. एंडलेस प्लेजर यानी ख़त्म ना होने वाली खुशी मिला करती थी. अमंग देम वर स्क्वायरल्स, इन सब के बीच में क्या क्या था? उस पेड़ पर स्क्वायरल्स थी यानी गिलहरियाँ थी, एंड स्नेल्स, और घेंगा, एक छोटा सा जानवर होता है जो धीरे धीरे चलता है, पेड़ पर रहता है. स्नेल, घेंगा कहते हैं उसको. एंड बटरफ्लाइज, और बटरफ्लाइज भी थी. द ट्री वॉज ओल्डर, जो पेड़ था वो बहुत पुराना हो गया था. द नेक्स्ट पेज, देन द हाउस, उस घर से भी पुराना हो गया था. इतना वो घर था ओल्डर देन ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर से भी बूढ़ा था वो पेड़. एज ओल्ड एज देहरादून इट्सेल्फ, और ये देहरादून शहर में था उनके दादा का घर, तो ये जितना पुराना देहरादून शहर था उतना ही पुराना ये बरगद का पेड़ हो गया था. आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेज बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो. आई कुड हाइड माई सेल्फ, मैं अपने आप को छुपा सकता था इन इट्स ब्रांचेज, इसकी शाखाओं में, बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, उसकी मोटी मोटी भारी हरी पत्तियों के पीछे. एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, स्पाई कहते हैं बच्चों जासूस बन जाने को, और इस दुनिया के लिए मैं जासूस बन सकता था. माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्वायरल, मेरा जो सबसे पहला दोस्त था वो जो था वो सुरमई रंग का गिलहरी थी, एक छोटी सी गिलहरी थी. आर्चिंग हिज बैक एंड स्निफिंग इन टू द एयर, उसकी झुकी हुई कमर और उसकी सूंघने की शक्ति, स्निफिंग, सूंघने की शक्ति हवा में. ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेंशन ऑफ हिज प्राइवेसी. ही सीम्ड एट फर्स्ट, सबसे पहले उसको टू रीसेंट, उसने गुस्सा किया माई इन्वेंशन ऑफ हिज प्राइवेसी, जब मैंने उसकी गोपनीयता पर आक्रमण किया. यानी जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वो खेलते रहते हैं ना पेड़ पर, तो जब उसने उस स्मॉल बॉय ने उसकी गोपनीयता पर आक्रमण किया यानी उसको छेड़ा, तो पहले तो उसने गुस्सा किया. बट वैन ही फाउंड, लेकिन जब उसे, आई एम रीडिंग हेयर, बट वैन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद अ कैटापल्ट, लेकिन जब उसने देखा कि मेरे पास कोई गुलेल नहीं है. कैटापल्ट कहते हैं गुलेल को.
और एयर गन और मेरे पास कोई गन भी नहीं है, ही बिकेम फ्रेंडली, तो वो मुझसे दोस्त, मेरा दोस्त बन गई। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेस ऑफ केक एंड बिस्किट्स, और जब मैंने उसको केक और बिस्किट्स के पीसेस देना शुरू किए, ही ग्रू क्वाइट बोल्ड, वो बहुत ज़्यादा फिर बहादुर बन गई, एंड वॉज सून टेकिंग मॉर्सल्स फ्रॉम माई हैंड, और फिर वो अपने हाथ से ही, मॉर्सल्स कहते हैं भोजन के छोटे छोटे टुकड़े, अपने हाथ से ही मुझसे लेकर खाने लगी। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेलविंग इन टू माई पॉकेट्स एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वॉट एवर ही कुड फाउंड, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ही वॉज डेलविंग, वो इंक्वायरी करने लगी थी, इन टू माई पॉकेट्स, मेरे पॉकेट्स में, एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ, और अपने आप की मदद करती थी खाने के लिए कुछ पानी का, कि वो मेरे पॉकेट्स में ढूंढती थी वॉट एवर ही कुड फाउंड कि उसको क्या मिल सकता था। ही वॉज वेरी यंग स्क्वायरल, वो बहुत यंग स्क्वायरल थी, एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स प्रोबेबली थॉट, और शायद उसके दोस्त और उसके रिश्तेदार सोचते होंगे हिम फुलिश, उसको बेवकूफ़ समझते होंगे, एंड हैड स्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग अ ह्यूमन, क्योंकि उसने एक इंसान पर भरोसा किया था, यानी मुझ पर भरोसा किया था, वो मेरी दोस्त बन गई थी। इन स्प्रिंग का टाइम था, व्हेन द बनियन ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, जब बनियन ट्री जो था वो छोटे छोटे लाल रंग के अंजीर से भर गया था, फिग्स कहते हैं बच्चों अंजीर को, दिस वन, ओके, तो वो स्प्रिंग का टाइम था और बनियन ट्री जो था छोटे छोटे लाल रंग के इस अंजीर से भर गया था। बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इन टू इट्स ब्रांचेस, इसकी शाखाओं पर जो चिड़ियाँ थीं, अलग अलग तरह की चिड़ियाँ, ऑल काइंड्स यानी अलग अलग तरह की चिड़ियाँ जो थीं वो झुंडों में इसके ब्रांचेस पर रहती थीं। द रेड बॉटम्ड बुलबुल, उनमें कौन कौन सी चिड़ियाँ थीं जिसका नीचे का हिस्सा लाल रंग का होता है, बुलबुल, चेयरफुल एंड ग्रीडी पैरट्स, जो लालची तोते होते हैं, मैना एंड क्रोज, मैना थी और कौवे थे, स्क्वैबलिंग विद वन अनादर, एक दूसरे से झगड़ा करते हुए, स्क्वैबलिंग क्वारलिंग, एक दूसरे से क्वारल करते हुए, झगड़ते हुए वो इन ब्रांचेस पर रहते थे स्प्रिंग के टाइम में। ड्यूरिंग द फिक्स सीजन, इसी फिक्स सीजन में, द बनियन ट्री वॉज अ नॉइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन, गार्डन का सबसे ज़्यादा शोरगुल वाली जगह थी बनियन ट्री जो थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाँ चहचहाती रहती थी। हाफ वे अप द ट्री आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून्स व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट, जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी तो शाम के वक्त में, दोपहर के बाद में मैंने एक प्लेटफॉर्म बना लिया था इसको अपना, और मैं वहीं पर बैठा रहता था। आई कुड रीड देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ, मैं सहारा लेकर वहाँ पर बैठा रहता था और पढ़ता भी था। अगेंस्ट द ट्री विद अ कुशन फ्रॉम द लिविंग रूम, मैंने लिविंग रूम से एक कुशन ले लिया था और मैं वहाँ पर कुशन के सहारे से बैठ जाता था। ट्रीजर आइलैंड, मैं क्या क्या पढ़ता था, ट्रीजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डू लिटिल वर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई बनियन ट्री लाइब्रेरी, जो कि मैंने बनियन ट्री को अपनी लाइब्रेरी जैसी बना लिया था, और ये तीन बुक्स जो थी वो मैं वहाँ पर ले जाकर पढ़ता रहता था कुशन के सहारे से। वन आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग, जब मुझे पढ़ने का मन नहीं होता था, आई कुड लुक डाउन थ्रू द लीव्स, तो मैं जो पत्तियां होती थी उनके नीचे से देखता था, एट द वर्ल्ड ब्लो, अपने चारों तरफ का नज़ारा, एट द वर्ल्ड ब्लो, दुनिया को यानी अपने चारों तरफ के नज़ारे को, एंड ऑन द पर्टिकुलर आफ्टरनून, और किसी खास शाम के वक्त में, दोपहर के वक्त में, आई हैड अ ग्रैंड स्टैंड व्यू, मैं शानदार नज़ारा देखता था, ऑफ दैट क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स, अ फाइट बिटवीन अ मंगूस एंड अ कोबरा, जो कि इंडियन वाइल्ड्स हैं, इंडिया के जंगली जानवर हैं, उनका मैं फ़ाइट देखता था, कौन कौन सी, मंगूस और कोबरा की जो फ़ाइट होती है वो मैं देखता था, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड स्टैंड व्यू लगता था, यानी शानदार नज़ारा लगता था। द वार्म ब्रीज ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस, वार्म ब्रीजेस जो गर्म हवाएं थी ऑफ अप्रोचिंग समर, गर्मियों के टाइम की, गर्मियों के वक्त की जो गर्म हवाएं थी, हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस, उसने सबको घरों के अंदर भेज दिया था। आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, मैं भी अपने आप को बहुत ड्राउजी, यानी जैसे जब हमें नींद आती है तो उस कंडीशन में हम हो जाते हैं, ऐसा महसूस करता था। वंडरिंग इफ आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव अ स्विम विद रामू एंड द बफेलोज व्हेन आई सॉ ह्यूज ब्लैक कोबरा ग्लाइडिंग आउट ऑफ अ क्लंब ऑफ कैक्टस,
तो जब मैंने भी अपने आप को बहुत ज़्यादा ड्राउजी सा फील किया, वंडरिंग इफ़ आई शुड गो टू द पॉन्ड, और मुझे लगा कि मुझे पॉन्ड में जाना चाहिए एंड हैव अ स्विम, और मुझे स्विम करना चाहिए विद रामू एंड द बफेलोज, रामू और बफेलोज के साथ, तब ही मैंने क्या देखा, व्हेन आई सॉ ह्यूज ब्लैक कोबरा, एक बहुत बड़ा काला कोबरा सांप ग्लाइडिंग आउट ऑफ द क्लंप ऑफ कैक्टस, कैक्टस के झुरमुट से मुझे आता हुआ नज़र आया। एट द सेम टाइम, उसी टाइम में अ मंगूस इमर्ज्ड फ्रॉम द बुशेस, बुशेस में से, वहीं पर झाड़ियों में से एक मंगूस भी निकला एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा, और वो कोबरा के सामने आकर खड़ा हो गया। इन अ क्लियरिंग ब्रीथ द बनियन ट्री इन ब्राइट सनशाइन दे केम फेस टू फेस, इन क्लियरिंग बिल्कुल साफ सुथरी जगह में, द बनियन ट्री पेड़ के नीचे, इन बीनीथ कहते हैं नीचे को, पेड़ के नीचे, अ ब्राइट इन ब्राइट सनशाइन एक चमकीली सूरज की रोशनी में, दे केम फेस टू फेस, वो दोनों फेस टू फेस आ गए। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मंगूस 3 feet long was a superb fighter, clever and aggressive. कोबरा जानता था कि जो only too well that the grey mongoose, जो grey mongoose है वो और 3 feet लंबा है और वो एक बहुत ज़्यादा शानदार superb fighter है, लड़ने वाला है, clever है, चालाक है और उत्सुक है और aggressive है। But the cobra too was a skillful and experienced fighter, लेकिन कोबरा जो था वो भी एक बहुत ज़्यादा स्किलफुल, कुशल और तजुर्बेकार फाइटर था। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ, वो बहुत स्विफ्टली आसानी से मूव कर सकता था एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, और लाइट की तेज़ी के बराबर वो तेज़ी से अपने आप को गायब कर सकता था। एंड द सेक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स, सेक्स कहते हैं बच्चों थैली को, दिस, एंड फैंग्स कहते हैं नुकीले दांतों को। एंड द सेक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स, उसके नुकीले दांतों के पीछे जो थैली होती है, छोटी छोटी बारीक थैलियाँ बनी हुई होती हैं, वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, उसमें जो है वो जहर भरा हुआ होता है। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियंस, तो ये जो थी वो चैम्पियंस की बैटल होने वाली थी। Today in the part of explanation we are completing till here only, okay? In our next part we will complete the remaining part of explanation. I hope you have understood it till here. Goodbye.